ना चाहते हुए भी मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो सामने आप पेट्रोल पंप देख रहे हैं, ये निरंजनपुर सर्कल देवास नाका के जस्ट पास में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। कल मैंने यहाँ से पेट्रोल डलवाया था। मैं यहाँ से पेट्रोल इसलिए नहीं डलवाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से जो पेट्रोल है वो चोरी कर लिया जाता है, मतलब पेट्रोल मार लिया जाता है। इसलिए मैं यहाँ से नहीं डलवा सकता हूँ, क्योंकि पहले मेरे भाई के साथ भी ये घटना हुई है और मैंने बहुत सारे रिव्यू भी देखे, उसमें भी सेम चीज़ है इस लोकेशन के। आप बात नहीं मानेंगे गाइस, कल मैंने यहाँ से पेट्रोल डलवाया 55 रुपये का। कम का ही डलवाया क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से पेट्रोल जो है वो चोरी कर लिया जाता है, पर जो मेरी गाड़ी है पेशन प्रो वो एवरेज देती है 60 का। अब तो 55 के हिसाब से वो चलनी चाहिए 30 किलोमीटर, बट आप बात नहीं मानेंगे 12 किलोमीटर चलने के बाद में उसकी जो टंकी का पूरा पेट्रोल है वो सूख गया है। आज ऐसा पहली बार नहीं हुआ, मेरे ब्रदर के साथ भी हुआ है और बहुत से लोगों के साथ में हुआ है। गाइस ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि क्योंकि जो आज मेरे साथ हुआ है कल को वो आप किसी के साथ ना हो, क्योंकि हम मेहनत से पैसे कमाते हैं और उसमें भी 2-500 का पेट्रोल डला है और पेट्रोल आधा ही डले, पहले ही पेट्रोल की जो कीमत है वो आसमान छू रही है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, कृपया यहाँ से कभी भी पेट्रोल ना डलवाए, और कोई अधिकारी इस वीडियो को देख रहा है तो उस तक ये वीडियो पहुँचाए ताकि इसकी जांच पड़ताल हो, क्योंकि जो मेरे साथ में हुआ है आगे से वो और किसी के साथ ना हो। वैसे पहले बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है, इसके रिव्यू भी देख सकते हैं मैप पर, तो देख सकते हैं दोस्तों आप ये लोकेशन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भाई बहन रिश्तेदार इस पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलाने से बच सके और उनका नुकसान ना हो। क्योंकि पेट्रोल पहले ही हम डलवाते हैं, तो पहले ही डलवाते हैं तो पेट्रोल का दाम इतना आसमान छू रहा है, उस पर भी आधा पेट्रोल मार लेंगे तो कैसे गरीब जिंदगी जिएगा। 500 कमाता है, 100 का पेट्रोल डलवा लेगा, उसमें भी उनको 50 का पेट्रोल मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता ऐसे व्यक्ति जी पाएगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और कोई सही पर्सन देख के इसके अगेंस्ट एक्शन ले सके। धन्यवाद, देख लीजिए लोकेशन।